हेलो मैजिकल माइंड्स डियर, आज हम टाइप्स ऑफ लिसनिंग देखने जा रहे हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ लिसनिंग की बात करें तो आपको स्क्रीन पे जितनी टाइप्स की लिसनिंग दिख रही है, इन सब के बारे में हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम टाइप्स ऑफ लिसनिंग में देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब अलग अलग करना। आपने जनरली ये टर्म सुना होगा, जैसे भेदभाव करना। तो भेदभाव करने में कि जब आप इंग्लिश टर्म इसके लिए यूज करते हैं तो आपको समझ में आता है डिस्क्रिमिनेशन करना, तो वहीं से ये टर्म आया है डिस्क्रिमिनेटिव, यानी कि अलग अलग सुनना। तो अलग अलग कैसे सुनेंगे आप? अलग अलग सुनने का मतलब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग की बात की जा रही है उसमें मतलब ये है कि जो साउंड्स हैं, अलग अलग साउंड्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करना, अलग अलग साउंड्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करने की जो हैबिट है वो हमारी, उसके लिए हमें लैंग्वेज को जानना जरूरी नहीं है। हम साउंड से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से साउंड किसकी है। इवन आप ये कह सकते हैं कि जो बच्चा है, जो माँ के गर्भ से आता है, वो तभी से जो है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग जो है सीख लेता है। आपने बच्चों को देखा होगा, काफ़ी छोटे बच्चे जो होते हैं उनको भाषा नहीं आती है, उनको लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन आपने देखा होगा जब उनके फादर बोलते हैं तो उनका एक्सप्रेशन अलग होता है, वो अलग तरीके की स्माइल देते हैं, उनकी मदर बोलती हैं तो उनको समझ में आता है कि हाँ ये आवाज़ किसकी है, ये आवाज़ मदर की है, ये आवाज़ फादर की है। बहुत सा जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि मैं अगर 3-4 मंथ्स के बच्चे की बात करूं, तो वहीं से जब वो सुनना शुरू करते हैं तो वहीं से उनका डिस्क्रिमिनेशन यानी कि डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि पापा के साउंड को अलग पहचान सकते हैं और मम्मी के साउंड को अलग पहचान सकते हैं। तो जैसे जैसे वो बचपन से बड़े होते जाते हैं, उनकी ये जो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग है ये बढ़ती जाती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम और भी चीज़ों को समझने लगते हैं, क्योंकि हमारी जो विजुअल स्टिमली है वो भी काम करती है। सुनने के साथ साथ हम सामने पर्सन को देख भी रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि एक आपके लाइफ में कोई पर्सन है जो हमेशा मोटिवेटेड रहता है, फुल एनर्जेटिक रहता है और खुश रहता है, और एकदम से वो आपसे अगर फोन पे बात कर रहा है तो आपको उसके, अगर वो थोड़ा सा भी लो है या उसकी तबीयत खराब है, उसके वॉइस का वॉल्यूम लो है, तो आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसकी तबीयत खराब है या आज की इसकी एनर्जी जो है कम है। आपको तुरंत आइडिया लग जाता है और आप बोलते हो अरे आज आपकी जो आवाज़ है वो लो फील हो रही है, क्या आपकी तबीयत नहीं ठीक है? तो इसका मतलब आपने उस साउंड का एहसास कर लिया कि उसकी जो रोज वाली पिच है वो नहीं है, आज उसकी लो पिच है। तो ये जो आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो साउंड्स का, इसी को हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग बोलते हैं। इसके लिए आपको लैंग्वेज को जानना जरूरी नहीं है। इसका एक और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग देश के लोग होते हैं, उनका एसेंट अलग अलग होता है, बोलने का तरीका अलग अलग होता है। अगर कोई ब्रिटिशर हिंदी बोले, या जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था ट्रम्प जब इंडिया आए थे तो उन्होंने कुछ हिंदी के वर्ड्स बोले थे, तो वो इतने ज़्यादा जो थे क्लियर नहीं थे, मतलब कि वो इतनी ज़्यादा, इवन इंडिया के लोगों को खैर ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसका मजाक भी बना था कि वो इतने ज़्यादा रीज़न, अमेरिकन प्रेसिडेंट का एसेंट अमेरिकन है और वो हिंदी बोल रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें हमारा एसेंट नहीं आएगा। हम अगर अमेरिकन इंग्लिश बोलने जाएंगे तो जब तक हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, या हम ब्रिटेन की इंग्लिश, ब्रिटिशर्स की इंग्लिश बोलना चाहे, जब तक हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा वो एसेंट नहीं हो पाता है, तो लोग एसेंट से पहचान लेते हैं। अगर आप यहाँ हमारे इंडिया में भी देखें और कोई पर्टिकुलर पर्सन अलग स्टेट से आ रहा है और उसके बोलने का वहाँ का तरीका अलग है, तो लोग एसेंट से पहचान लेते हैं कि अरे तुम तो उस स्टेट के हो। तो ये कैसे पहचानते हैं आप ये डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग के कारण जो है पहचान पाते हैं?
तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग है वो आपकी स्टार्टिंग से ही चाइल्डहुड से ही डेवलप हो जाती है, और बड़े होते होते क्योंकि आपको विजुअल स्टिमुली मिलने लगता है तो वो आपकी बढ़ती जाती है। एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप एयरपोर्ट पे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं, वहाँ अलग अलग कंट्री से जो हैं वो लोग आ रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है, आपको उनकी लैंग्वेज नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप उनकी वॉइस में, उनके बोलने के तरीके में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो ये भी आपका डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का जो है एग्जाम्पल रहता है। इमोशनल वेरिएशन के कारण अगर कोई एंग्री है, कोई सैड है, उसके कारण भी उसके वॉइस पिच में जो मॉड्यूलेशन में जो डिफरेंस होता है उससे भी आप इसकी पहचान कर लेते हो। तो आपको तो पहले ही पता है कि लिसनिंग जो है वो ऑडिटरी के साथ साथ विजुअल भी है, और ऐसा नहीं है कि हम केवल ऑडिटरी ही सुनते हैं, हम केवल कान से सुनते ही हैं, बल्कि हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस भी करते हैं, और उसके थ्रू आप ये इजीली पहचान सकते हो कि कौन सी लिसनिंग किस, कौन सी आवाज़ किसकी है, साउंड में क्या डिफरेंस है, और वहाँ से आप जो है उसके बाद अगर आपको विजुअल स्टिमुली भी मिल जाता है, यानी कि आप चीज़ों को देख भी रहे हो, तो आप इजीली जो है और ज़्यादा चीज़ों को डिफरेंशिएट कर पाते हो। तो दैट इज़ डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। थैंक यू।